एवरीवन वेलकम टू माय चैनल और एज यू नो मैं हूँ मधुसूता। सो फ्रेंड्स, आज ही वेडनेसडे और जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि मैं होम टाउन में हूँ, तो यहाँ पर अभी मैं कपड़े सुखाने के लिए छत के ऊपर आई हूँ। तो बाहर जो क्लाइमेट है बहुत ही ज़्यादा धूप हो रही है और ह्यूमिडिटी जो है आज थोड़ा सा कम है। थोड़ी देर के लिए कपड़े को जो है धूप में रखूँगी और अभी जाऊंगी फिर लंच बनाने के लिए, क्योंकि आज जो लंच में मैं बना रही हूँ फिश, तो फादर इन लॉ जो है अभी फिश लेकर आए हैं, तो फिश को मैरिनेट करके उसका करी बनाना है। पनीर भी लेकर आए हैं क्योंकि सासू माँ जो है फिश नहीं खाते हैं। मेरे जो सिस्टर इन लॉ की बेटा है वो भी फिश नहीं खाते हैं, ब्रदर इन लॉ भी नहीं फिश खाते हैं, तो इन सारे जन के लिए पनीर बनाऊंगी और हमारे लिए फिश बनाऊंगी। तो आज का जो लंच का मेन्यू है इतना ही है। सिस्टर इन लॉ जो है मुझे थोड़ा हेल्प करेंगे, तो हम दोनों मिलकर लंच बनाएंगे। तो आज का वीडियो है इंडियन लंच रूटीन इन इन लॉज हाउस, तो मैं किस तरह से इन लॉज हाउस में लंच प्रिपेयर करती हूँ और सारे जो किचन को किस तरह से हैंडल करती हूँ, ये इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो चलिए मैं जल्दी से ये कपड़े सुखा लेती हूँ और फ्राइडे को हम लोग वापस बेंगलोर जा रहे हैं। जाने का तो बिल्कुल मूड भी नहीं है क्योंकि पर क्या करें, हॉलीडे का जो दिन था वो तो ख़त्म हो गई है और कल एक ही दिन है, सुबह हमारा ट्रेन है तो हम फ्राइडे को निकल जाएंगे। तो इस तरह से जो 15 डेज़ के लिए हम यहाँ पर आए थे और पता नहीं कैसे 15 डेज़ चली गई है, वो बहुत ही जल्दी चली गई है। तो कुछ भी नहीं, वहाँ पर जाने के बाद फिर से अकेले फिर से बेबी को संभालना, सारे काम खुद करना, ये सब रूटीन फिर से चालू होगा। और आज सोच रही हूँ कि आज तो मैं पक्का वीडियो आपके लिए शूट करूँगी क्योंकि कल हम गोपालपुर बीच गए थे, तो बीच का जो वीडियो मैंने आपके लिए रिकॉर्ड किया है वो आज हो सके तो पब्लिश कर दूंगी। तो चलिए मैं जल्दी से ये काम ख़त्म कर लेती हूँ क्योंकि ऑलरेडी टाइम भी हो गई है, बच्चे लोग खाएंगे, जल्दी लंच मुझे बनाना पड़ेगा। तो चलिए मैं जल्दी से आपको बाद में मिलती हूँ। लंच जो है ऑलमोस्ट हो गई है, तो मैं अभी बनाऊंगी फिश फ्राई। और ये जो फिश फ्राई है मैंने इसमें डाला है थोड़ी सी टर्मरिक, थोड़ी सी सॉल्ट और साथ ही साथ मैंने इसमें डाला है थोड़ी सी कॉर्नफ्लोर डालने से ये जो फिश फ्राई है थोड़ी सी क्रिस्पी लगता है। तो यहाँ पर मैं इस तरह से मस्टर्ड ऑयल में इसको फ्राई करती हूँ और ये जो तवा फ्राई फिश है बहुत ही अच्छा लगता है खाने में। तो ये सवेरे फिश फ्राई होने के बाद सिस्टर इन लॉ बनाएंगे फिश करी, क्योंकि सिस्टर इन लॉ जो है फिश करी बहुत ही अच्छा बनाते हैं, मैंने उनका करी पहले से ही खाया है। तो यहाँ पर वो कढ़ाई में थोड़ी सी मस्टर्ड सीड्स और थोड़ी सी क्रीमिन सीड डाले हैं, उसके बाद वो ग्राइंड किया है यहाँ पर 2 टेबल स्पून मस्टर्ड सीड्स और एक टमाटर और एक सूखी लाल मिर्च और साथ ही साथ इसमें 8 से 10 लहसुन इसको अच्छे से ब्लेंड कर लिया है। और ये जो पेस्ट है बहुत ही अच्छा लगता है खाने में और ये मस्टर्ड करी का फिश है तो बहुत ही ज़्यादा ये बन जाता है और इसको बनाना भी बहुत ही इजी है, बट कुछ टेक्निक फॉलो करना होता है। तो इन सारी चीज़ों को अच्छे से ब्लेंड करने के बाद इसमें कढ़ाई में डाल देना है। मस्टर्ड पेस्ट को डालने के बाद 5 से 7 मिनट्स के लिए उसको कढ़ाई में ही थोड़ी सी पानी डालकर हाई फ्लेम में इसको पकाना है ताकि मस्टर्ड पेस्ट का जो रन है वो चला जाए। और ये जब बॉईल हो जाए तब फ्राई किया हुआ फिश इसमें डाल देना है और 2 मिनट के लिए इसको हाई फ्लेम में ही पकाना है और उसके बाद गैस बंद कर देना है। और ये जो करी है बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होता है और इसमें कुछ भी मसाले का यूज़ नहीं होता है, तो ये करी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी होता है। मस्टर्ड करी का जो स्मेल है बहुत ही अच्छा आता है, सारे घर फैल जाता है। तो ये जो करी में हम लोग यहाँ पर सिर्फ लाल मिर्च और टर्मरिक का ही यूज़ किया है।
है, इसके अलावा कुछ भी मसाले यूज नहीं होता है। तो हम लोग का जो लंच है वो हो गई है। तो हम लोग लंच होने के बाद यहाँ पर ड्राइंग रूम में बैठ के थोड़ा सा बातें कर रहे थे, और बच्चे लोग जो है यहाँ पर बहुत सारा मस्ती कर रहे हैं, क्योंकि बेबी का जो आजकल मस्ती मस्ती होता है। और ये जो सिस्टर इन लोगों का दो बच्ची है बहुत ज़्यादा प्यारी है, बहुत उनके साथ बातें करना, उनके साथ खेलना मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। वैसे कहूँ तो बहुत सारा वीडियो मैंने बना के रखी हूँ, बट जब भी मैं बोर फील करती हूँ इन वीडियो को थोड़ा सा देख लेती हूँ और मेरा माइंड जो है बहुत ही जल्दी रिफ्रेश हो जाता है। तो इस तरह से ये बच्चे लोग अभी खेल रहे हैं, और उसके बाद मैं जाऊँगी मार्केट, क्योंकि मैं फ्राइडे को हम लोग चले जाएंगे, तो मार्केट में कुछ बहुत शॉपिंग में करूँगी, उसके बाद मैं घर आ जाऊँगी। और पैकिंग भी मुझे करना है, क्योंकि जाने का टाइम पे जो पैकिंग होता है बहुत ही लेट चलता है, जाने का तो मन नहीं होता है फिर भी हमको जाना पड़ता है। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं। तो अभी इवनिंग का टाइम है और हम लोग आ गए हैं मार्केट। यहाँ पे मैं लेंस कार्ट पे अभी हूँ, कुछ सनग्लासेस खरीद रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही अच्छे अच्छे ऑफर रहता है। और मैं बेबी को घर पे ही छोड़ के आई हूँ, क्योंकि मार्केट में बेबी को लेकर घूमना इतना भी ज़्यादा आसान नहीं है, तो इसलिए घर पे बेबी है और मैं यहाँ पर लेंस कार्ट में हूँ तो हस्बैंड के साथ, और थोड़ी बहुत शॉपिंग करूँगी फिर घर चली जाऊँगी, और घर जाने के बाद आपसे मिलती हूँ। तो अभी टाइम हुआ है रात का 8 बज रहे हैं, और अभी हम लोग का सडन प्लान हुआ कि हम लोग आज डिनर बाहर ही करेंगे। तो मैं, मेरा पूरी फैमिली और मेरा छोटा भाई का नाम राजा है, तो वो भी आए हैं, और हम लोग यहाँ पर मिल के सारे डिनर करेंगे और फिर घर जाएंगे। आज का जो ये प्लानिंग था ना, पूरा सडनली प्लान हुआ, कुछ भी ऐसे प्लानिंग नहीं था कि हम लोग बाहर डिनर करने वाले हैं। पर ये जो होटल है हमको बहुत ही अच्छा लगता था, ये एक ग्रैंड होटल है, और इससे पहले हम लोग यहाँ पर कभी भी नहीं आते हैं, और हम जब भी होम टाउन जाते हैं एक बार तो बाहर ज़रूर खाना खाते हैं, क्योंकि उड़ीसा का खाना जो होता है मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे बैठ के डिनर को एंजॉय कर रहे हैं, और फिर हम जाएंगे घर। तो होटल में खाना जब देते हैं थोड़ा बहुत लेट हो जाता है, और इस लेट का हम लोग यहाँ पे फ़ायदा उठा रहे हैं। हम लोग यहाँ पे मम इन लॉ और फादर इन लॉ के साथ थोड़ी सी मज़ा कर रहे हैं, और इन बच्चों ने जो है उनको बोला कि हम फादर इन लॉ जो मदर इन लॉ को एक रोजेस दे, जो कि इस रोज जो है टेबल पे ही था, तो यहाँ पर कुछ फ़ोटोशूट भी हो रही है।
तो फ्रेंड्स अभी जो है डिनर हो चुकी है और यहाँ पे हम लोग पूरी बाहर आ चुके हैं होटल से, और यहाँ पे कुछ सोफ़ा वगैरह पड़ रहा था तो इसमें हम बैठे हैं थोड़ी देर के लिए, क्योंकि खा के फिर ड्राइव करके घर जाना पॉसिबल नहीं था, तो इसलिए 5 to 10 minutes के लिए यहाँ पे हम बैठेंगे और फिर घर चले जाएंगे। और ये मेरा लास्ट ब्लॉग है होम टाउन का, क्योंकि कल मैं सोचिंग को ब्लॉग नहीं करूँगी, क्योंकि कल इस तरह से कुछ प्लानिंग वगैरह नहीं है और कल मुझे पूरी दिन पैकिंग में ही मैं बिजी रहूँगी, क्योंकि मैं जब भी होम टाउन जाती हूँ ना बहुत ज़्यादा सामान खरीद के जाती हूँ, तो इसलिए यहाँ पर ये ब्लॉग को मैं पर ख़त्म करती हूँ। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो मेरे फैमिली वालों के साथ आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और भी मेरे इस तरह से अच्छे अच्छे वीडियो देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और छोटा सा बेल आइकन को भी ज़रूर दबाइए, इसके वजह से आप नोटिफिकेशन पाएंगे मैं जब भी नया वीडियो अपलोड करूँगी। सो मैं मिलती हूँ और एक नया वीडियो के साथ, अभी के लिए बाय, स्टे हैप्पी।